सब्सक्राइब कीजिए टेक बार को और ज्वाइन कर लो हमारी टेक गैंग को, हम क्वालिटी में लीड रखते हैं। हेलो, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक बार। भाई आज आप लोगों से यार मैं बात करना चाहता हूँ नोकिया के बारे में कि यार नोकिया कैसे इंप्रूव कर सकता है या फिर क्या क्या थोड़ी बहुत नोकिया गलतियां कर रहा है। आपको मैं पहले से बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी जो है नोकिया 7.1 रखा हुआ है। इससे पहले मैं नोकिया 6.1 प्लस को भी रिव्यू कर चुका हूं और नोकिया 8.1 को भी चाइना से लाकर मैंने उसको रिव्यू और अनबॉक्स किया था। तो भाई हाँ, मैं अपने नोकिया को कुछ ज्यादा ही पसंद करता हूँ। आप कह सकते हो कि मेरे उनके फोन बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, खासकर भाई बिल्ड क्वालिटी। थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि कहाँ पर नोकिया थोड़ा सा गलत चल रहा है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चीयर्स। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, भाई जितना मेरे को पता है मेरी ऑडियंस जो है क्या वो बिल्कुल मेरे साथ की है। तो भाई होपफुली जो भी हम लोगों के पहले फोन रहे होंगे वो नोकिया के ही होंगे, क्योंकि भाई मेरा पहला फोन था नोकिया का 5233। तो भाई हाँ, उस फोन से पर्सनल टच जरूर है और आज मेरे पास उस फोन का थोड़ी ना बॉडी वॉडी रखी हुई है, चलता नहीं है। तो भाई अगर मैं बात करूँ इन फोन्स के बारे में जो आजकल नोकिया लेकर आ रहा है मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में भी यार नोकिया पूरा घुस चुका है। आराम से आपको फोन अवेलेबल हो जाएंगे, दुनिया भर की आपको होर्डिंग्स देखने मिल जाएगी। पहले जो सैमसंग को कहीं ना तो कहीं रिप्लेस रहे होर्डिंग के मामले में, काफी शौक से लगाते हैं भाई दुकानदार भी। तो भाई हाँ, नोकिया का नाम बन रहा है वापस से इंडिया में, बट क्या नोकिया ठीक कर रहा है ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूं नोकिया 6.1 प्लस के बारे में, तो भाई वो बहुत अच्छा फोन था, प्राइस उस फोन का बहुत अच्छा था, स्टॉक एंड्रॉइड था और अच्छा खासा डिजाइन था। तो भाई हाँ, हम लोग कह सकते थे कि बहुत आसानी से आप खरीद लो, मतलब रिकमेंड करने वाला वो फोन था। और सच में कुछ भी कहो भाई, उसमें ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज वो निकल कर आया था। अब बात करते हैं नोकिया 7.1 के बारे में। भाई ये फोन जो है 20,000 का और आपको ऑफलाइन मार्केट में 19,000 का मिल जाएगा। बट पता है अजीब बात क्या है, ये फोन थोड़ा सा थिक है और ये भी स्नैपड्रैगन 636 के साथ आता है। और हाँ, इसमें भी स्टॉक एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के साथ ये पूरा एसोसिएटेड है। बट मेरे को पॉइंट नहीं समझ आया इस फोन का, क्योंकि 20,000 की प्राइस रेंज में अगर हम सारे फोनों को देखें ना, तो भाई उसमें पोको F1 है, ऑनर प्ले है, एसस के इतने सारे फोन है, शाओमी के खुद इतने सारे फोन है, MI A2 भी इससे बेटर निकल कर आता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि नोकिया 7.1 किसके लिए है। और अगर मैं नेक्स्ट फोन के बारे में बात करूं जो कि नोकिया 8.1 है, भाई वो फोन 27,000 रुपए का निकाला है और उसके अंदर स्नैपड्रैगन 710 है। हाँ भाई HDR10 सपोर्ट करता है, ये भी करता है, अच्छी बातों के बारे में बाद में बताऊंगा। इनफैक्ट इस नोकिया 7.1 के बारे में और बातें करेंगे बाद में। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इतना ज्यादा प्राइस रखने के बाद ऑफलाइन मार्केट में फोन बिक जाएंगे, क्योंकि भाई शौक से खरीदेंगे लोग। बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार आज के टाइम पे ऑडियंस कुछ ज्यादा ही समझदार हो चुकी है, लोगों को पता है कि भाई क्या उनके लिए ठीक है, कौन सा प्रोसेसर कितना अच्छा है, A to Z चीजें भाई लोगों को पता है। खासकर भाई मेरे को पता है, मेरी ऑडियंस हद से ज्यादा शानी है, मेरे को इतनी शॉर्ट है कि भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि भाई कौन सा फोन अच्छा है आप लोगों के लिए। बट मैं ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि नोकिया से इमोशनल टच करके बैठे हुए हैं। बट मेरे को सच में ऐसा लग रहा है कि इस फोन में कुछ भी ऐसा नहीं है नोकिया 7.1 में कि मैं जिसको आंख बंद करके बोल सकूं कि भाई इस फोन को ले लो। मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके स्टॉक एंड्रॉइड के बारे में, तो भाई हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड्रॉइड 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बट इसको लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं थोड़ी बहुत लैग सर मेरे को देखने को मिले। अगर हम बात करूँ इसकी दूसरे फीचर के बारे में जो कि है HDR10 जो कि इसकी डिस्प्ले सपोर्ट करती है, और अगर आप YouTube की ऐप खोलोगे इस फोन के अंदर तो भाई उसमें HDR का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो मतलब YouTube पे नहीं देख सकते, इसकी कोई सेंस नहीं बनी। तो मतलब ये है कि फिर HDR का फीचर क्यों हुआ जबकि सपोर्ट ही नहीं मिलना था। तो और अगर कोई ब्रांड से वीडियो देख रहा है तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा फीडबैक लो और HDR वाले सपोर्ट को लेकर आओ YouTube की ऐप में, क्योंकि अगर कोई बंदा फोन खरीदेगा तो भाई HDR के लिए खरीदेगा और वही नहीं मिला तो क्या फायदा है फिर। अब एक बात पर ध्यान देना है, सारी बातें ना मैं नोकिया 6.1 प्लस, नोकिया 7.1 और नोकिया 8.1 सबके लिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करूं इसके स्टॉक एंड्रॉइड के बारे में ढंग से, तो भाई हाँ अपडेट मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप इसके एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर झांक कर देखोगे ना, तो भाई कोई फीचर्स ही नहीं देखने को मिलते, चाहे वो ऐप डॉक हो, कोई फीचर ही नहीं है कि भाई नाइट मोड मिल जाए। कुछ तो होना चाहिए जिसका भाई थोड़ा बहुत बंदा थोड़ा इंजॉय कर सके अपने एंड्रॉइड सिस्टम को। तो काफी ही ज्यादा मिनिमलिस्टिक चले गए और मतलब कुछ दिया ही नहीं, तो कुछ ज्यादा ही क्लीन एक्सपीरियंस हो गया, वो भी अच्छी बात नहीं है। अब यहां पर यार बात खत्म नहीं होती, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा इन फोन्स के कैमरे के बारे में। चाहे वो कोई भी नोकिया का फोन क्यों ना, उनके कैमरे मेरे को भाई सच बता रहा हूं अच्छे नहीं लगते। खासकर नोकिया 6.1 प्लस का कैमरा भाई बहुत बेकार था और सेम केस हमारे नोकिया 7.1 में। पता नहीं क्यों इनके कैमरे में ना थोड़ी
ऐसी अंडर एक्सपोज फोटोज आती है, मतलब कि अप टू दी मार्क फोटोज नहीं होती, क्योंकि 20,000 का प्राइस रेंज है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ पोको F1 के साथ तो भाई कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता इसका कैमरा। और सही बात तो भाई ये है, थोड़ा सा कैमरे पे वर्क करना चाहिए नोकिया को, क्योंकि भाई लोग ज्यादातर कैमरे के लिए ही फोन खरीदते हैं और वही अच्छा नहीं हुआ तो भाई फायदा क्या निकल कर आता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है, जब तक मार्केट में MI A2, Honor Play और पोको F1 जैसे फोन है, तो भाई यहाँ पर इसको अलग क्या बनाता है नोकिया के फोन को, तो भाई सोचने वाली बात है यार। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं, बट ये कुछ मेरे को मेजर प्रॉब्लम लगी जिसको लोग बहुत ज्यादा ध्यान में देते हैं। बट अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि भाई इन सारी प्रॉब्लम का एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि भाई बुराई तो कोई भी कर सकता है बट सॉल्यूशन भी तो निकलना चाहिए इन बातों का। तो भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी बात, भाई अपनी PR वालों को थोड़ा सा समझाओ, जो पब्लिक रिलेशन वाले हैं, सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन में भी थोड़ा सा आओ, देखो कि क्या चल रहा है मार्केट में और थोड़ा प्राइसिंग ढंग से रखो। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा भाई आप लोगों की, नोकिया के टच के नाम पे मानता हूं भाई फोन बिकेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, नोकिया का वापस बोर्ड देखकर भाई मेरे को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी और हो सकता है भाई आप में से भी काफी सारे लोगों को हुई हो। बट सिर्फ नाम पे फोन नहीं बेचने यार, आप लोग सच में बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाले फोन देते हो, पूरी ओवरऑल क्वालिटी संभल गई तो भाई बहुत अच्छी बात रहेगी। तो मेरा सजेशन यही रहेगी कि वापस ध्यान दो अंदर की स्पेसिफिकेशंस पे, क्योंकि लोग आज के टाइम पे वो सारी चीजें देख रहे हैं और ऑनलाइन में वापस आओ। दूसरा सबसे मेजर सॉल्यूशन रहेगा भाई प्राइसिंग, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 15,000 की जगह 16,000 भी देने को रेडी नहीं है, तो भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मैं जानता हूं भाई नोकिया एक ऐसा ब्रांड होता था जो सस्ते में बहुत कुछ प्रोवाइड करता था, इनोवेशन की तरफ जाता था। तो भाई मेरे हिसाब से वापस आप वही वाला नोकिया लेकर आओगे तो भाई लोग आपको बहुत बहुत पसंद करेंगे। मैं जानता हूं कि भाई नोकिया को अभी भी बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा होगा लोगों की तरफ से, बट यार वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ढंग से थोड़ा वर्क करो प्राइसिंग के ऊपर खास कर, तो भाई मैं श्योर हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी भाई नोकिया वापस बिकना शुरू हो जाएगा। अब सॉल्यूशन में यार तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहूंगा कैमरे के बारे में, क्योंकि यार नोकिया जो है ना हमेशा से कैमरे में बहुत बहुत फेमस रहा है। 41 मेगापिक्सल वाला फोन आज तक मेरे को याद है, आज के टाइम पे भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं वापस से, जितने भी ये फोन है नोकिया के, नोकिया 6.17, 8, 8, इन सब में बहुत बहुत जरूरत है भाई इमेज प्रोसेसिंग की। आप लोगों ने बहुत अच्छा लेंस लगा दिया है, बहुत अच्छी बात है भाई, जायज ऑप्टिक यूज किया है, बहुत बहुत कमाल का कैमरा होता है भाई, वो अच्छी खासी शार्प आपको इमेज लाके देगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने हार्डवेयर में कंजूसी की है, बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को भाई मेरे हिसाब से सुधारने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि भाई आज के टाइम पे आप सबको पता है भाई चाहे सेंसर बेकार हो, अगर भाई अच्छी खासी इमेज प्रोसेसिंग होती है तो भाई जादू सा हो जाता है भाई इमेजेस में। तो भाई मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भाई एंड्रॉइड सिस्टम में भी हल्का फुल्का लैग है, वो ठीक करते हुए भाई कैमरे में इमेज प्रोसेसिंग में सुधार होना चाहिए। लास्ट में सबको मैं यही कहना चाहूंगा भाई फोन जो है दो चीजों से बिक रहे हैं आज के टाइम पे, सबको पता है इंडियन ऑडियंस को भाई क्या, एक तो पबजी खेलने वाला गेम चाहिए या फिर भाई कैमरा अच्छा और प्राइस अच्छा हो, ये तीन चीजें हैं भाई जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब चीजों पे ध्यान दे दिया तो वो फोन सुपर हिट है भाई। और लास्ट में वापस इस फोन के बारे में बात करूं, अगर मैं नोकिया 7.1 के बारे में, तो भाई ये मैंने खुद खरीदा तो है, थोड़े से दुख रहे हैं मुझे पैसे, तो भाई मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग इस फोन को खरीदो, क्योंकि कंपटीशन भाई बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं आज के टाइम पे, हर एक प्राइस रेंज में हमें स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो भाई कंपटीशन को देखते हुए यही बोलना चाहूंगा भाई मेरे को फोन नहीं पसंद आया, मैं कुछ खास रिकमेंड नहीं करता हूं, बट स्टिल अगर आपको कोई एक अच्छा दिखने वाला फोन चाहिए और 20,000 आपका प्राइस रेंज आप ढूंढ रहे हो कोई फोन, तो भाई मेरे हिसाब से नोकिया 7.1 आप ले सकते हो, बट भाई दिल से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। और अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी सारी बातें और सॉल्यूशन ब्रांड तक पहुंचे, तो आप इसको ट्विटर पे टैग भी कर सकते हो नोकिया को, और इस वीडियो को लाइक करके भाई मेरे को सपोर्ट कर सकते हो और सब्सक्राइब करके माई टैगिंग को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो भाई अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।